आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा एक सूप, जिसमें हम सब्जियां डालेंगे, मशरूम्स डालेंगे, नूडल्स भी जाएंगे उसमें, और तालू माइन सूप है। इसको हम सर्व करेंगे चिली ऑयल के साथ। चिली ऑयल भी मैं आपको बनाना, कम टू द सूप। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? मंडे है, सब सो रहे हैं क्या? अच्छा, सूप, ये वाला सूप कॉर्नफ्लावर के साथ हम पानी मिक्स कर देंगे। एंड में हमें ये चाहिए होगा। और मैं एक तरफ सूप बनाना भी रख दूं, एक स्टॉक बनाना है मुझे। हड्डियों के पास साथ जो आपके स्टॉक हम बनाते हैं वो है तो सही है, नहीं है तो देन यू हैव टू यूज़ अ स्टॉक क्यूब। ये दो स्टॉक क्यूब्स मैं डाल रही हूँ इसमें, चिकन के हों या सब्जी वाले हों, व्हाटएवर। सिरका है, नमक है, सोया सॉस है, काली मिर्चें डालना चाहें डाल सकते हैं, आई एम नॉट एडिंग टुडे। नूडल्स हैं, बॉईल नहीं किए हैं, इसी में बॉईल हो जाएंगे। और हरी प्याज, शिमला मिर्च, चिकन। नूडल्स को और छोटे भी आप क्रश कर सकते हैं। लास्ट में हमने नूडल्स और सब्जियां डालनी हैं। चिली सॉस या चिली ऑयल के साथ आप ये वाला सूप सर्व करिएगा। कॉलर हैं? हेलो। हेलो जी। हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं बच्चे? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं। हाँ, बस मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ, और आपकी जो आदा है बात करने का अंदाज और शो की तबीयत तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हाँ, बस अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बच्चों की खुशियाँ दिखाए, और इसी तरह ये काम करते रहे। बाकी आप लोग एक ऐसा इंस्टीट्यूट है ना हम मसाला के, बहुत जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बच्चियों के लिए, खासकर मेरी अपनी तो कोई बेटी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर आप सब बेटियां ही हमारे, तो जो सुन रही हैं देखती हैं तो बहुत अच्छा आपका काम है। अल्लाह आपको ये जो ज़ाहिर खैर है, अल्लाह ताला आपको अदा करे बच्चे दान में भी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज़। शाताश कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लेंगे हम, और यू कैन सी शाताज कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति ऑल्सो गॉट कैनोला ऑयल हियर। चलिए, तो हमने यहाँ शाताज कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर दिया था, उसमें फिर हमने अदरक और लहसुन डालना है, और चिकन ब्रेस्ट फिले को बिल्कुल बारीक चॉप कर दीजिएगा, वो जाएगा। यहाँ मैंने सूप रेडी करके, स्टॉक रेडी करके रख दिया था, दो स्टॉक क्यूब्स पानी के साथ। जैसे ये हो जाए थोड़ा सा, फिर इसमें मैं चिकन डालूंगी, और फिर मैं इसमें ये स्टॉक डालूंगी। ये हाइड्रेटेड मशरूम्स हैं, जो बिल्कुल सूखे वाले चाइनीज़ मशरूम्स आते हैं पैकेट में, ठीक है, उसको आप गर्म पानी में भिगो के रखिए, फिर काट के उसको आप इस्तेमाल करिए। चाइनीज़ खानों में बिल्कुल मीठी टेस्ट है इसका। और स्प्रिंग अनियंस हैं, शिमला मिर्च है, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि सोया सॉस मेरा डार्क वाला है। सिरका जाएगा। इस सूप को थिकन करेंगे हम कॉर्नफ्लावर और पानी के साथ, लेकिन उससे पहले हम इसमें पकाते वक्त, एक उबाल आते वक्त ये नूडल्स डाल देंगे। अदरक और लहसुन को अच्छी तरह सॉटे करिएगा, और फिर उसमें आप चिकन ब्रेस्ट फिले डाल दीजिएगा। चिकन को पका लीजिएगा पूरा पहले अदरक और लहसुन के साथ। चिकन ब्रेस्ट फिले है, बहुत जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करिएगा, बस कलर चेंज हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे, और ये
मशरूम्स, ये वाले नहीं हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे वाले यूज़ कर लीजिएगा, जो बटन मशरूम्स आते हैं, फ्रेश वाले यूज़ करने हो फ्रेश वाले कर दीजिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम इसमें ये सूप डालना चाह रही हूँ मैं पूरा, ठीक है। ओके, यहाँ उबाल आ चुका है, अब हमने इसमें नूडल्स शामिल करते हैं, ठीक है, कच्चे हैं, बॉईल नहीं किए हैं, इसमें बॉईल हो जाएंगे। मेक श्योर कि सूप इनफ हो, पानी इसमें इनफ हो। अब शिमला मिर्च बीज निकाल के छोटा छोटा चॉप कर दीजिएगा, सिरका जाएगा थोड़ा सा, देन वील टेस्ट इट, अभी हम एकदम से मैं नहीं डाल देती हूँ, ठीक है। और जैसे ही नूडल्स बॉईल हो जाएंगे हम सोया सॉस भी डाल सकते हैं, अभी व्हाई नॉट, वी ऐड द सोया सॉस, हरा प्याज बिल्कुल एंड में, और ये कॉर्नफ्लेक्स की स्लरी, और फिर सूप सर्व करते वक्त ऊपर से थोड़े से चंद कतरे चिली ऑयल के। यार थैंक यू सो मच, हरा प्याज, कॉर्नफ्लावर और पानी। कॉर्नफ्लावर तब डालते हैं जब सूप पूरा पक चुका हो, चिकन विकन कुछ भी उसमें हो वो सब पक चुकी हो, उबाल आ रहा हो तब, ठीक है, ठंडे में नहीं डाल दीजिएगा। और पानी हमेशा ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला, बिल्कुल गर्म पानी में कॉर्नफ्लावर मिक्स नहीं करिएगा। कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स करिए, ठीक है, गाढ़ा सा सूप आपका रेडी, नूडल्स आपके बॉइल्ड, चिकन आपकी पकी हुई है, एनी थिंग यू लाइक बनाइए, ट्राई करिए। इसी तरह मैं ज़रा इसकी आंच कम कर देती हूँ, कॉर्नफ्लावर डालने के बाद कुछ ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, और आपने देख लिया स्पेशली वो चाइनीज़ सूप वाले मेरे फैंस के, कॉर्नफ्लावर आज हमने सूप में डाल के उसको थिकन कर ही लिया, बिकॉज हमेशा मुझे कहा जाता है ऐसे कैसे सूप बना दिया कॉर्नफ्लावर के बगैर, तो हर सूप में कॉर्नफ्लावर नहीं डलता है, मैंने आपको दिखाया है ना, इतने दिन से मैं सूप बना रही हूँ, इतने सारे सूप बनाए हैं, अब हरीसा की फरमाइश आ गई, अब देखते हैं अगले महीने, बिकॉज इस महीने के अगले क्या अगले महीने के भी मैंने तो रेसिपीज भेज दी हैं, सो दैट्स दैट, ठीक है जी। अब ले लेते हैं एक ब्रेक और रेसिपी रिकैप कार्ड चलेगा, नहीं लेते हैं, ओके चलिए हम बात करते हैं आपसे फिर, ओके जी।